प्रभा देवी जी, प्रभा देवी यादव, नीलम देवी संजय पाल, आरती देवी रविंद्र पाल, मंदिर में हमेशा ही इनका योगदान रहता है। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की। तो हेलो दोस्तों, कमाल के फंड ऑडियो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल चीजें, कमाल जगह, कमाल के व्यक्तियों से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है। आप उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है, यानी ब्रह्मचारिणी माँ का पूजा हुआ। और जैसे ही नवरात्र का पाठ, ये आज का पाठ यानी कि समाप्त हुआ, और सभी श्रद्धालु भक्त जो भी नवरात्र में भाग लिए हैं, उन तमाम माताएं बहनों को, भाई बहनों को, जितने भी वरीय सदस्य हैं, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कृपया जल्द से जल्द मंदिर प्रांगण में पहुंचने का कार्य करें। तो जैसा कि जिस तरह कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया था, उन तमाम नवरात्र में भाग लिए हुए माताएं बहनों को वस्त्र वितरण करने का, तो आज अभी हमारे वरीय कमेटी के सभी सदस्यगण यहां पे मौजूद हैं और उनके हाथों से आज वस्त्र वितरण किया जाएगा। तमाम पाठ में भाग लिए हुए तमाम माताएं बहनें, भाई बंधु, जैसा कि आज ब्रह्मचारिणी का पाठ समापन जस्ट हुआ है और इसके बाद तुरंत वितरण होगा, तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिएगा। आइए आपको रूबरू कराते हैं उन तमाम पार्ट में भाग लिए हुए माताएं बहनों से। ये जो देख पा रहे हैं, लिस्ट का विवरण लिया जा रहा है। मुख्य संरक्षक मुकेश कुमार गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी, जितेंद्र प्रसाद जी हैं, उपेंद्र जी हैं, प्रदीप ठाकुर जी हैं, गोड्डू जी हैं, और साथ ही साथ ये वस्त्र है, यानी कि ये साड़ी है और उधर धोती और गमछा है। तो ये आप देख पा रहे हैं और उन्हीं के लिए ये शरबत पानी का व्यवस्था कराया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा डिसकलर है, डिसकलर के कहने का मतलब थोड़ा सा ऑरेंज कलर का फ्लेवर है। अभी इसका टेस्टिंग क्या है, आप खुद जितने भी माताएं बहने हैं वो जब पियेंगे इसका स्वाद बता पाएंगे। तमाम माताएं बहने नवरात्र में भाग लिए हुए हैं, जो कि तकरीबन संख्या लमसम हमको देखने से 50 प्लस होंगे, 50। तो इन माताएं बहनों को मिलेगा अभी फ़िलहाल, जैसा कि कमेटी के माध्यम से अनाउंस हुआ था नवरात्र से पहले, कि जितने भी श्रद्धालु भक्त यहां पे पाठ में सम्मिलित होंगे, भाग लेंगे, उनको मिलेगा वस्त्र, यानी कि धोती, साड़ी, गमछा। तो जी हाँ, देखते हैं क्या क्या सामग्री है, और जो भी श्रद्धालु भक्त कलश यात्रा में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा ऑफर है, यानी कि 1 रुपया देकर आप स्वतः कलश यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। कूलर को आप चालू कर दें। ये देख सकते हैं श्रद्धालु भक्तों के लिए फल, शरबत और साड़ी। हमारे बीच उपस्थित है उर्मिला जी और शरबत पानी पिला रहे हैं, नवरात्र में खुद भाग लिए हुए हैं। नवरात्र में क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाह रहे हैं, नवरात्र पाठ में बहुत अच्छा हम लोग का लग रहा है कि भाग भी लिए हुए जितने भी भक्त जन, और इस पुण्य के भागी और कोई को बनना चाहिए, सभी को गोता लगाना चाहिए। तो क्या कहेंगे महिलाओं के लिए, जो और महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले? बोलो बोलो, आप भी बोलिए, वो तो लजार ऐसे इन लोगों का लगता है जो 50 प्लस ही फलहार पर होंगे और बाकी पता नहीं अन्न पे कितने हैं नवरात्र में, वो माताएं बहने ही बताएंगे। हाँ, फ्लेवर बताओ। फ्लेवर चॉकलेटी फ्लेवर है। बोलिए, नहीं रही कैसा है स्वाद? माध्यम से आप देख पा रहे हैं ग्लास का वितरण किया जा रहा है, जो भी पार्ट में भाग लिए हैं, तो आप वितरण कीजिए। चलिए सभी मिलजुल कर, ये जो कि धर्म की यहाँ की गंगा बह रही है। और हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य यजमान के रूप में प्रमोद उर्फ बबलू जी, उनकी धर्मपत्नी। तो दो शब्द रखिए आप। सार्वजनिक दुर्गा पूजा स्थल के प्रांगण में हमारा दुर्गा पूजा हिंदू शास्त्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसके लिए हम लोग एकजुटता का परिचय देकर के अपना नवरात्र पाठ को
कल से शुरुआत की है और इसे दसवीं तक निभाएंगे और यहाँ पर बड़े से बड़े कार्यक्रम हम लोग सही सुख मनाएंगे। जय माता दी। चलिए आपसे एक क्वेश्चन और करना चाह रहे थे, आज दूसरा दिन था, आज किनका पूजा हुआ, आज किन किन माता का पूजा हुआ? आप लोग 9 दिन भाग लिए हुए हैं तो कल शैलपुत्री का था, कौन बताएंगे? चलिए ये आचार्य मोहित हैं जो कि आज ब्रह्मचारिणी का है, अब किन्हीं का नहीं लेकिन आप तो बता ही देते, लेकिन हम ही खुद मैं बता दिया, पाठ में आप लोग भाग लिए हैं तो आप कम से कम किस पाठ हो रहा है, किस देवी का आह्वान किया जा रहा है, तो ये सब फोकस करना है, ये न कि आए बैठे और चले गए, तो इसमें आप लोगों का सहभागिता अनिवार्य है। और चलिए अभी बहुत विशेष आप जुड़े चैनल पर, धन्यवाद। और हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य बाबा जी, प्रणाम करते हुए स्थान से जो है सभी सभी को धन्यवाद, खूब आशीर्वाद नवरात्र के अवसर पर आज दूसरा नवरात्र का ब्रह्मचारिणी के रूप में जो है पाठ का समापन किया गया है और खुशी की बात है। और इस मंडप में, इस मंदिर प्रांगण में जो है नवरात्र के शुभ अवसर पर सभी नवरात्र व्रतधारियों को जो है वस्त्र वितरण किया जा रहा है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे बीच अध्यक्ष महोदय हाजिर हैं तो इनका भी दो शब्द जानना चाहूँगा, इस तरह का शुभ कार्य करके आप लोगों को कैसा लग रहा है? हरिवाहार श्री मंदिर के प्रांगण में दुर्गा पूजा के आयोजन रखा गया, सर्वप्रथम इसमें जितने भी हम लोग आप सभी लोगों का शिव मंदिर कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है। एगो बैठ जाए, नहीं खाली चेयर में मत रहने दीजिए, ठीक है हो गया, एगो कोई और बैठिए ना, कोई बैठ जाए, का दिक्कत, चेयर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बैठिए हो गया। हम सभी लोगों के बीच में मौजूद हैं मंदिर निर्माण से लेकर के अभी तक जितने भी कार्यक्रम होते आते हैं, बहुत ही अतुलनीय सहयोग करने वाले नवरात्र पाठ में भाग लिए हुए चाचा प्रदीप ठाकुर जी, मैं इस समिति के महामंत्री बड़े भैया टाइगर कुमार जी से निवेदन करूंगा कि इन्हें भी एक अंग वस्त्र देकर के आप सुशोभित करें। दुर्गा पूजा महोत्सव के मुख्य यजमान के रूप में सुशोभित कर रहे हैं प्रमोद ठाकुर जी, सह उनकी धर्म पत्नी सविता देवी जी। मैं सुरेंद्र साहब जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों को भी एक एक अंग वस्त्र देकर के आप सुशोभित करें, हो या शाम हो, निस्वार्थ भावना से जो लगी हुई रहती है। और अभी फिलहाल आपका क्या नाम हुआ? शुभ नाम पुष्पा पाठक है, मैं सुबह की रहने वाली हूँ। चाचा श्री प्रदीप ठाकुर जी की धर्म पत्नी, ये जो अंग वस्त्र अभी फिलहाल जो दिया जा रहा है इससे क्या आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अंग वस्त्र तो दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये सब अच्छी बात है कि सब। मैं बड़े भैया अक्षय सिंह जी से निवेदन करूंगा रीना देवी जी को, तो ये पहले आप सजेस्ट कर दें, अब तो जो हो गया फिलहाल जो हो गया, हाँ इसी तरह के कार्यक्रम इस मंदिर में होते रहे। चलिए और सभी माताएं जो लोग भी भाग लिए हैं पाठ में उन सभी को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अभ्यास बढ़िया। चलिए रेणु कुमारी साक्षी कुमारी पूनम कुमारी आप तीनों एक साथ चलिए, रेणु कुमारी साक्षी कुमारी पूनम कुमारी, रेणु कुमारी साक्षी कुमारी पूनम कुमारी, सुमन कुमारी भी तो है, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए।
आप सभी भक्तजन इस मंदिर प्रांगण में आए, नवरात्र पाठ में भाग लिए। विजय ठाकुर जी आप जाए और इन्हें एक एक अंग वस्त्र दे करके सुशोभित करें। इधर हो जाना, ऐसे ऐसे के सामना सामने ये देख पा रहे हैं जितेंद्र भाई के माध्यम से फलहार वितरण और साथी कमेटी के सभी सदस्यगण द्वारा, ये जो कि विकास गुप्ता जी, अगर आप यहीं कहीं अगल बगल हैं तो आप चले आए कि आप जाएं और उन्हें एक एक अंग वस्त्र देकर के सुशोभित करें। छोटी कुमारी जनु विश्वकर्मा, माही सोनी, सत्येंद्र सोनी, साक्षी सोनी, अंजन कुमारी, भोला यादव, आप सभी भी आगे चलिए। मैं अक्षय सिंह जी से निवेदन करूंगा, इन्हें भी अंग वस्त्र देकर के आप सुशोभित करें। खुशी कुमारी जोगिंदर बैठा, आरती देवी, धर्मेंद्र कुमार, सरिता देवी, माधोपाल, लाडली कुमारी, राजकुमार, आप लोग भी आगे चले आए। सर जी से निवेदन करूंगा कि आप जाएं और इन्हें चारों को अंग वस्त्र देकर के सुशोभित करें। पुष्पा कुमारी विनोद बैठा, प्रियांशु कुमारी, विश्वनाथ पाल, पुष्पा कुमारी, प्रदीप ठाकुर, निशा कुमारी, सुरचंद चंद्रवंशी, रिंपा कुमारी, जोगिंदर सिंह, मधु कुमारी, जोगिंदर सिंह, आप सभी भी आगे चलिए। पुष्पा कुमारी, प्रियांशु कुमारी, पुष्पा कुमारी, प्रदीप ठाकुर, निशा कुमारी, सुरचंद। इस कमेटी में दिन रात सेवा करने वाले गीता विश्वकर्मा जी से मैं आवेदन करूंगा कि आप आए और इन पांचों को आप अपने हाथों से अंग वस्त्र देकर के सुशोभित करें। सुरेना देवी, पूजा देवी, छोटू सिंह, पूजा, मैं चाची उर्मिला देवी से, देवी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और इन्हें अपने हाथों से अंग वस्त्र देकर के सुशोभित करें। तारा देवी जी, उपेंद्र सिंह, विशाल सिंह, गुलची कुमारी, पवन सिंह, रिंकी कुमारी, दुर्गा कुमारी, आप सभी भी आगे चले आए। तारा देवी जी, विकास ठाकुर, उपेंद्र सिंह, ललन सिंह, विशाल सिंह, गुलची कुमारी और रिंकी कुमारी, आप सभी आगे चले आए। मैं विकास गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप जाए। जितेंद्र प्रसाद भैया आप जाएं और अपने हाथों से अंग वस्त्र देकर के सुशोभित करें। आप सभी भक्तजनों से कमेटी सादर अनुरोध करेगी कि ये जो वस्त्र वितरण किया जा रहा है इसे पूरे 9 दिनों के नवरात्र पाठ में आप जरूर एक दिन पहनेंगे। Hello?
और खास करके 9 तारीख को जो जल यात्रा निकाली जाएगी उसमें आप सभी बढ़ चढ़ के भाग लें और उस दिन इस वस्त्र को आप जरूर पहन के आए। कमिटी इंदु देवी और लखन कुमार आप सभी लोग आगे चले आए। मैं इस कमिटी के हीरानंदन सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप जाएं और इन्हें अपने हाथों से अंग वस्त्र देकर के सुशोभित करें। रेखा कुमारी भोला चौधरी, रेनू कुमारी विजय चौधरी, अंजलि कुमारी जवाहिर बैठा, ज्योति कुमारी सीताराम साहब, पायल कुमारी संतोष बैठा, आयुषी कुमारी नेहरू प्रसाद, आयुषी कुमारी और सलोनी कुमारी आप सभी लोग आगे चले आए। मैं उपेंद्र साहब जी से निवेदन करूंगा कि आप जाएं और अपने हाथों से इन्हें अंग वस्त्र देकर के सुशोभित करें। हम ही लोग एडजस्ट होना होगा, ही लोग उल्टा खड़े हो जाएंगे। काजल कुमारी, अनुष्का कुमारी, सुरेंद्र विश्वकर्मा, काजल कुमारी, रमेश बैठा, सोनाली कुमारी, वीरेंद्र विश्वकर्मा, विनीता कुमारी, करण साहब, ममता कुमारी, राजेश्वर बैठा, काजल कुमारी, शिवनंदन बैठा आप सभी लोग आगे चले आए। विकास गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे आए और इन्हें अपने हाथों से एक एक अंग वस्त्र देकर के सुशोभित करें। निमिला देवी उमेश बैठा, रंजू देवी भीम सिंह, सरिता देवी दिनेश बैठा, सावित्री देवी रघुनाथ साहब, अनु देवी राजू बैठा, करिश्मा कुमारी राजमुनि सिंह, श्वेता कुमारी बिहारी सिंह आप सभी लोग आगे चले आए। ठीक है, माइक लिया है का? माइक कुछ नहीं, डायरेक्ट एकरे से बनाते हैं। इतना डबिंग क्लियर कैसे आ रहा? क्लियर डायरेक्ट कैमरा से कर देते हो। मैं जितेंद्र प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि आप जाएं और इन्हें अपने हाथों से अंग वस्त्र देकर के सुशोभित करें। ए हीरो चा, ए हीरो चा, फल मारते जाइए। अरे देते जाइए ना, आप कपड़ा दीजिए ना, पीछे से मिलते जा रहा। कृपया शांति बनाए रखें। नीलम देवी संजय पाल, आरती देवी रविंद्र पाल, रीमा देवी आप सभी लोग भी आगे चले आए। खुशबू देवी, कविता देवी, संगीता देवी, नीलम देवी, आरती देवी और रीमा देवी तो देख सकते हैं दोस्तों, ये लिस्ट है, चीठा इसको बोल सकते हैं हम लोग। ये पूरा दोनों साइड था अभी धीरे धीरे, और ये माइक संचालन करते हुए मुकेश कुमार गुप्ता जो कि मुख्य संरक्षक के रूप में हैं और ये कार्य को इस तरह का अंजाम दे रहे हैं।
कोषाध्यक्ष सुरेंद्र साहु जी से निवेदन करूंगा कि एक एक बंदोबस्त देकर के आप सुशोभित करें। समिति के लोग जाए और इन्हें भी एक एक अंग वस्त्र दे करके सुशोभित करें। उल्टा पलटा बीच में, अरे नहीं दे रहे हैं तो एक साइड हो जाइए, दिक्कत ना होता है। सीधे आ जा रहे कपारे आ गया तो वही ना। ठीक है चला जाए। राहुल राहुल घास को नहीं और प्रदीप ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि आप दोनों साथ में जाएं और इन्हें भी एक एक अंग वस्त्र देकर के सुशोभित करें। एक जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मंदिर में हमेशा ही इनका योगदान रहता है। दो शब्द रखिए आप लोग, इस तरह का जो महान कार्य किया जा रहा है क्या कहना चाहेंगे कमेटी को? हाँ मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो कमेटी के हमारे भैया लोग हैं बहुत सुंदर कार्य करते हैं और जो ये हमारा हो रहा है ये सब दिन होते रहे कि सबको हिंसा बढ़ते रहे। आज का शुभकामनाएं, आज का मनोरंजन, आज का दिन पूजा बहुत खुशी खुशी की बात है। इस मंदिर बनने के बाद हम इस मंदिर में पुजारी बन के बैठे हुए हैं। आगे वो कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा और बढ़ते रहे, सभी भक्तजन इसी तरह से आते रहे और इस मंदिर का मनोरंजन बढ़ते रहे। धन्यवाद। प्रभा देवी जी, प्रभा देवी रतनलाल सिंह, प्रभा देवी अगर किसी कारणवश से नवरात्र पाठ में भाग लिए हुए किन्हीं भी श्रद्धालुओं का नाम अगर छूट गया हो तो आप जरूर अंकित करा लेंगे। अभी की सभा की समाप्ति की जाती है। आज फिर शाम 5 बजे से परम पूज्य श्री हरचंद बाबा जी महाराज का प्रवचन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 8:30 बजे तक जो आज चलेगी, इसके तत्पश्चात आज कमेटी के द्वारा प्रवचन समाप्ति के बाद प्रसाद रूपी लड्डू का भी वितरण किया जाएगा। तो आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप इस प्रवचन कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की। माफी चाहूंगा अगर कोई काजल कुमारी है, पिता शिव बैठा, अगर आप इस सभा में मौजूद हैं तो आगे चलिए। काजल कुमारी तो फाइनली दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं लगाते ये वस्त्र का जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कमेटी के माध्यम से वस्त्र वितरण और साथ में शरबत पानी स फलहार भी वितरण किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भाग लेना चाहते हो और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। समिति आपसे बार बार अनुरोध कर रही है।